एक दो कबाब छत्तीसगढ़ और हम इसमें डाल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, दिस इज़ ब्रोज अनवार एंड यू आर वाचिंग क्रेजी लाइफ एंड ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अलहमदिल्ला मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और दोस्तों, आज जितने में हमारे घर पे पोटैटो कटलेट्स बनाए जा रहे हैं, तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। तो आपको दिखाएंगे हम हमारे घर पर किस तरह पोटैटो कटलेट्स बनाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं हम किस तरह पोटैटो कटलेट्स तैयार करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा पोटैटो कटलेट्स के इंग्रेडिएंट्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये हैं वो तमाम इन्ग्रीडियंट्स जो आज हम पोटैटो कटलेट्स बनाने में यूज़ करेंगे। ये हमारे पास पोटैटो हैं जिसको हमने बॉयल करके रख लिया है, 1 से 1.5 किलो ये पोटैटो हैं। और उसके साथ ये अनियन है जिसको हमने चॉप करके रख लिया है, और उसके साथ ये हरी मिर्च, हरा धनिया और ये लेमन है। और ये कुछ मसाले हैं, लाल मिर्च है, ये गरम मसाला है, ये काली मिर्च, ये हल्दी पाउडर, ये नमक और ये ज़ीरा, जिसको हम भून कर पीस कर पाउडर बना लेंगे, फिर इसको हम यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और बनाते हैं पोटैटो कटलेट्स। यहाँ हमने तमाम आलूओं को मैश कर लिया है, और जो इन्ग्रीडियंट्स आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाए थे वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अब हम इसके कबाब बनाएंगे और फिर इसको फ्राई करेंगे। और ये आप देख सकते हैं जो हमने मसाला बनाया था उसके हमने कबाब बना के रेडी कर दिए हैं। और यहाँ पर ये होममेड ब्रेड क्रम है, और ये मैदा है जिसके अंदर हमने काली मिर्चें और नमक डाल के इसका लिक्विड बना लिया है। अगर आप चाहें तो अंडा भी यूज़ कर सकते हैं, बहरहाल मैदे से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अब इन कबाब को फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज हम आपको आलू की कटलेट्स बना रहे हैं आपके सामने, और इंशाल्लाह बहुत लायकदार और मज़ेदार जो है वो तैयार होंगे। तो मैं आगाज़ करती हूँ आलू के कटलेट्स तलने का। ठीक है, ये देखिए, अब हमने आलू के कटलेट्स तलने का आगाज़ किया है। इसको पहले हम एक ऊपर एक लेयर देते हैं मैदे वगैरह की। अगर हम इस पर लेयर दे देते हैं तो ज़रा जो ये अच्छा क्रिस्पी भी हो जाता है और जायका भी इसका बहुत अच्छा हो जाता है। और ये जो है ना मैदा वगैरह का, ये हमने एक लेयर इसके ऊपर लगा ली है। और उसके बाद हम इसको जो ब्रेड क्रम लगा के हम उसको फिर तलेंगे, तो इससे जो है ना बड़ी खूबसूरत एक लेयर आ जाती है कटलेट्स के, आलू के जो कबाब हम बनाएंगे, जो कटलेट्स हम बनाएंगे बड़ी खूबसूरत सी। जब ये तल कर तैयार होंगे व्यूअर्स, आप देखिएगा कि इसके ऊपर जो लेयर है वो इसको बड़ा खूबसूरत और खुशनुमा जो है वो बना देंगे। ये देखिएगा, ये देखें, ये हमने इसमें डाल दिया, ये तेल हमने थोड़ा गर्म कर लिया था पहले से ही। और अब हम ये अपना दूसरा कबाब इसमें जो है ना इसी तरीके से हम इसमें मैदा का इसके एक लेयर जो है ना वो हम इसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, मैदा के ये लेयर लगाने के बाद जिससे ये फटेगा नहीं, ठीक है, और क्रिस्पी भी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसकी लेयर के बाद हम इसके ऊपर जो है ना वो ये ब्रेड क्रम की लेयर जो है वो लगाएंगे, तो इससे जो है ना इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है और क्रिस्पी क्रिस्पी से जो है वो लगते हैं, कलर बड़ा खूबसूरत आता है इसको लगाने से। ऊपर देखते हैं आ जाती है तो ये बड़ी अच्छी लगती है, खाने में भी बहुत जायकेदार जो है वो महसूस होती है। ये देखिए, ये देखें, अच्छा ख़ास बात जो है ना ये रखना है कि आग जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है, दरमियान ही रखना है ताकि ये अंदर तक जो है वो अच्छी तरीके से तल जाए। ठीक है, और माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे जो है ना ये बने हैं, तो इनको खाने में भी जो है ना एक अजीब लुत्फ़ और मज़ा जो है वो आपको जो है वो आएगा। और बड़ी मेहनत जो है वो इनके बनाने में जो है वो की गई है, आपने देखा होगा। ये देखिए, अब हम इसकी ब्रेड क्रम की लेयर इसके ऊपर एक लगा रहे हैं। इससे पहले हमने मैदा की लेयर लगाई थी, तो इससे जो कबाबों के ऊपर जो ब्राउन ब्राउनिश जो आ जाती है टैन वो बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखिए नाजी, ये देखिए हमारा ये वाला कबाब जो है वो तकरीबन जो है वो हल्का हल्का तैयार होना शुरू हो गया है। अब हम इसको ये देखिए आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर इसका जो है वो आया। और अब हम इसको नेक्स्ट साइड दूसरी साइड से जो है अब इसी तरीके से अब हम इसको देखेंगे, जब ये थोड़ा हो जाएगा ना, थोड़ा हार्ड हो जाता है ना, फिर हम इसको जो है वो पलटते हैं। अभी ये वाला कबाब हमारा हार्ड नहीं हुआ है तो इसको अभी हम नहीं पलटेंगे। जैसे पहला कबाब था ना उस तरह से जब ये हो जाएगा
तो फिर हम उसको जो है वो देखेंगे। ये देखें, ये आपके सामने मैदा की ये लेयर, इसमें जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें डाली गई हैं जो तैयार किया गया है, तो इससे ज़ायका भी जो है दुबला हो जाएगा इसका। और ये ब्रेड क्रम्स से इसके अंदर जो खूबसूरती जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, वो खूबसूरती जो है वो इसके अंदर जो है वो आ जाएगी। ब्राउन ब्राउन जो है वो आ जाते हैं तो बहुत खूबसूरत और दिलकश लगते हैं। देखिए हमारा ये वाला कबाब तक, अब ये देखें कि तकरीबन जो है ना एक तरफ से ये हो रहा है, और ये अब हम इसको भी चेंज कर देंगे। ये तकरीबन हमारा तैयारी के मराहल में है, ये वाला तकरीबन हमारा, ये देखें मैं आपको दिखाऊँ, ये हमारा तकरीबन तैयार जो है वो हो। देखिए कितना खूबसूरत इसके ऊपर एक लेयर और एक कलर जो है वो आया है। ये हम इसको निकाल के इसके अंदर जो है प्लेट के अंदर रख देंगे, डाल सकते हैं एक दो कबाब तकरीबन और हम इसमें डाल सकते हैं। ये आप इसको जब खाएंगे तो आप वाकई जो है वो बनाने वाले की दाद देंगे कि बनाने वाले ने इसको बड़ी मेहनत से जो है वो तैयार किया है। ये देखिए ये इस तरह से तो बड़ी खूबसूरत सी जो है ना ब्राउन सा कलर जो है उसके ऊपर आ गया है। ये देखें, ये ठीक है, इसको ज़रा से नीचे कर देंगे, अपने बाकी कबाबों को जो है वो देख लेंगे। बाकी हमारे कबाब ये देखिए, ये वाला जो कबाब है तकरीबन ये हमारा हो चुका है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे मज़ेदार जायकेदार स्पाइसी पोटैटो कटलेट्स यानी आलू के कबाब रेडी हो चुके हैं, और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार और बहुत लजीज ये बनते हैं, मज़ा आया। और आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने प्यारे का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।